अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। तो आज हम नमाज़ के लिए बहुत ही प्यारी सी टोपी बनाएंगे, जिसके लिए मैं ये धागा ले रही हूँ। और इस धागे से मैंने पहले भी टोपी बनाई है, अगर आप लोगों ने पहले वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया। ये पॉलिस्टर का धागा है और ये थोड़ा सा बारीक होता है धागा। दो प्लाई का ये धागा है, देखिए ये दो सूते वाला धागा है। तो इससे अगर बनाएंगे ना, ये थोड़ी सी बारीक हो जाएगी टोपी जो है। तो मैं ये वाला धागा एक ऐड कर लूँगी, ये जो सिलाई वाली मशीन वाला धागा होता है ना, उसको मिला के इस तरह से फिर ये हम टोपी को बनाएंगे। और ये मैं फुल साइज़ की टोपी बना रही हूँ, आप जो हैं छोटी बड़ी कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँगी वीडियो में। और देखिए इसमें मैं कुरेशिया लूँगी 10.07 mm की, ये कुरेशिया से। और अगर आपके पास ये कुरेशिया नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी कुरेशिया यूज़ कर सकते हैं। ये भी 10 नंबर की है, लेकिन इसमें यहाँ पे नंबर लिखा होगा और इस तरफ देखिए 0.75 mm की, और यहाँ पे देखिए दोनों एक साथ में नंबर लिखे हैं, इस तरफ नंबर नहीं लिखे हैं। तो आपके पास इन दोनों में से कोई भी कुरेशिया हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाते हुए इस तरह अब चेन बनाएंगे। नौ चेन बना लेंगे, नौ चेन बना के यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब तीन चेन लेके इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 18 डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं इसमें 18 बना के फिर बताती हूँ। इस तरह 18 डबल क्रोशिया मैंने इसमें बना ली। अब एक चेन लेके ये पहली डबल क्रोशिया के स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1, 2, 3। फिर एक चेन लेके एक स्पेस को छोड़ेंगे और यहाँ पे बनाएंगे दूसरे में 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेके एक स्पेस को छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया 3 बार। तो हम अपनी दूसरी लाइन को इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इस तरह से बना ली हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है 9 बार बन गए हैं। अब एक चेन लेके ये वाले स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेके इसमें बनाएंगे इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेके ये वाले स्पेस में बनाएंगे 1 चेन लेके इसके ऊपर बनाएंगे। तो हम अपनी इस लाइन को इसी तरह से पूरी करेंगे, इस तरह बनाते हुए। तो इस तरह से देखिए हमारी तीसरी लाइन पूरी हो गई। एक बार चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया, एक बार इसके ऊपर, एक बार चेन के अंदर, इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ पे एक चेन लेके ये जो चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया है ना, तो इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे पहले 2 बना लेंगे, फिर इस पे 3, फिर यहाँ पे 4,
फिर इसके ऊपर एक और, इसके अंदर एक और बना लेंगे पांच। इस तरह से आप पांच बनाएंगे, ये हमारी पत्ती बनेगी। और फिर एक चैन लेके इसके ऊपर तीन बार ही बनाएंगे, इसके ऊपर हर बार जो है तीन तीन डबल क्रोशिया बनते हुए जाएगी हर लाइन में। फिर एक चैन लेके इसके ऊपर पांच बार बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से बनाएंगे। तो हम अपनी चौथी लाइन को इसी तरह बनाते हुए पूरी करेंगे, ठीक है। तो देखिए चौथी लाइन हमारी पूरी हो गई। अब हम इसके ऊपर पांचवी लाइन बनाएंगे। तो ये हमारी पत्ती के ऊपर पहले बनाएंगे, वन, फिर इसी के अंदर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, फिर इसी में एक बार सेवन। तो इस बार पत्ती के ऊपर जो है सात डबल क्रोशिया बनेगी। देखिए यहाँ पे देखिए तीन पहले बनी थी, फिर पांच, फिर सात। तो हर लाइन में यहाँ पे जो है दो दो क्रोशिया बढ़ती जाएगी। और फिर यहाँ पे एक चैन लेके इसके ऊपर हर लाइन में तीन ही डबल क्रोशिया बनेगी। तो मैं जैसे अभी पांचवी लाइन बना रही हूँ ना, तो पांचवी लाइन बना के मैं छठवीं, सातवीं और आठवीं लाइन इसी तरह से बनाऊंगी। पत्ती के ऊपर दो दो क्रोशिया बढ़ती जाएगी और इसके ऊपर इसी तरह से बनती जाएगी। तो मैं पूरी बना के लाइन फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो इस तरह से देखिए हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः लाइन ये इस पत्ती की बन गई है। और इसके नीचे वाली ये जो लाइन थी ये सात हो गई, और ये गोले को लेके जो ये राउंड था ना इसको लेके आठ लाइन हमारी टोटल बन गई है। इस तरह से यहाँ से गिनेंगे ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब यहाँ पे हम एक चैन लेके इस पर बना लेंगे तीन डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे पत्ती को घटाएंगे, फिर एक चैन लेके इसके ऊपर बना लेंगे तीन बार डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर एक चैन लेके अब यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब सबके ऊपर बनाते जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन। यहाँ पे देखिए 11 डबल क्रोशिया बनेगी, ये गैप में नहीं बनाएंगे। अब एक चैन लेके इस तरफ आ जाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे तीन बार, फिर एक चैन लेके इसके ऊपर बना लेंगे तीन बार। अब एक चैन लेके इस तरफ की पत्ती पे भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे इस तरफ बनाई हूँ। देखिए ये पत्ती हमारी ऐसे घटती जाएगी दोनों तरफ से, हर लाइन में जो है दो दो क्रोशिया कम होती जाएगी, ठीक है। मैं ये लाइन पूरी कर लेती हूँ फिर आगे देखती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी नवीं लाइन बन गई। अब इसके ऊपर हम दसवीं लाइन बनाएंगे, यहाँ पे एक चैन लेके यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। अब एक चैन लेके इस चैन के अंदर तीन बार बना लेंगे। इस तरह से अब एक चैन लेके यहाँ पे बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया,
तरह से। अब एक चेन लेके ये पत्ती के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर इस बार 9 डबल क्रोशिया बनेगी। फिर एक चेन लेके इस तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसके ऊपर बनाई हूँ, ठीक है। तो अपनी हम 10वीं लाइन को इसी तरह से बनाते हुए पूरी करेंगे। इस तरह से देखिए 10वीं लाइन हमारी पूरी हो गई। अब हम 11वीं लाइन बनाएंगे, एक चेन लेके इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे इस तरह से। अब एक चेन लेके ये बीच वाली जो 3 क्रोशिया है ना, तो यहाँ पे हम जो है इस बार 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 इस तरह इसके अंदर बना के। अब इसके ऊपर 4 5, अब इस तरफ वाले चेन में 2 बार बना लेंगे 7। तो इसके ऊपर देखिए हर बार 4 डबल क्रोशिया बढ़ती जाएगी हर लाइन पे। यहाँ पे देखिए 3 थी पहले, इस बार 7 है। अब एक चेन लेके इस तरफ 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब एक चेन लेके इसके ऊपर जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके ऊपर हर बार 2-2 डबल क्रोशिया कम होती जाएगी। इस तरह से देखिए इस बार 7 डबल क्रोशिया बनी है। तो इस तरह से 11वीं लाइन बनेगी। तो इसके ऊपर जो है 12वीं और 13वीं लाइन भी इसी तरह से बनेगी। यहाँ पे जो है 4-4 डबल क्रोशिया बढ़ती जाएगी और ये जो पत्ती है ना इस पे 2-2 डबल क्रोशिया कम हो जाएगी। तो जो है मैं 12वीं पहले 11वीं लाइन बना लेती हूँ, फिर 12वीं और 13वीं लाइन बना के फिर उसके आगे देखते हैं डिज़ाइन कैसे बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारी 13वीं लाइन पूरी हो गई। ये अभी जैसे थोड़ा सा झोल जैसा दिख रहा है ना, ये आगे बनते बनते डिज़ाइन ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो 13वीं लाइन पूरी करने के बाद हम 14वीं लाइन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पत्ती आके पूरी हो गई, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बची है सारी पत्ती के ऊपर। अब 14वीं लाइन बना लेते हैं, एक चेन लेके इसमें बनाएंगे उसी तरह से, पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पे बना के। अब एक चेन लेके एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे में बनाएंगे। अब इस तरफ भी सब में बनाते हुए यहाँ पे इस गैप में बना लेंगे 2 बार, तो इस तरफ भी 9 बार बन जाएगी डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, इस तरफ भी 9 बार बन गई ना। अब एक चेन लेके इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना के फिर एक चेन लेके अब इस तरफ जो है इसके ऊपर बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से तो अपनी इस 14वीं लाइन को हम इसी तरह से बनाते हुए पूरी करेंगे। तो इस तरह से हमारी लाइन ये पूरी हो गई। अब हम 15वीं लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चेन लेके इसके अंदर पहले 3 बार बना लेंगे फिर
फिर इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इस तरफ 9 डबल क्रोशिया बना के अब एक चेन लेके इसके अंदर 3 बना लेंगे इस तरह। अब एक चेन लेके इस तरफ एक गैप को छोड़ के इस तरफ बनाएंगे, इस तरफ भी 9 डबल क्रोशिया बनेगी। इसमें 2 बार बना लेंगे, इस तरफ भी 9 बार बन गई। अब एक चेन लेके इसके अंदर 3 बार बनाएंगे, अब एक चेन लेके इस तरफ भी जैसे इसके ऊपर बनाई हूँ ना वैसे इसके ऊपर भी बनाएंगे। तो हम 15वीं लाइन को ऐसे बनाते हुए पूरी करेंगे, ठीक है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारी 15वीं लाइन बन के तैयार हो गई है। अब हमारा चांदा ये पूरा होने वाला है। अब हम 16वीं लाइन बनाएंगे, एक चेन लेके इस पे इसके अंदर उसी तरह से बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया हमें बनाना है यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 9 डबल क्रोशिया बन गई यहाँ से यहाँ तक। अब एक चेन लेके इसके अंदर डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे इस तरह, फिर एक चेन लेके इसके अंदर बना लेंगे, इस तरह से। अब एक चेन लेके इस तरफ एक स्पेस को छोड़ के यहाँ पे, अब यहाँ से लेके हम यहाँ तक 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 9 डबल क्रोशिया बन गई। अब एक चेन लेके इस तरफ आ जाएंगे, तो इस तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसके अंदर बनाई हूँ। तो अपनी हम इस लाइन को 16वीं लाइन को इसी तरह से बनाते हुए पूरी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारी 16वीं लाइन तैयार हो गई, जो थोड़ा सा झुल जैसे आ रहा था ना अभी देखिए बिल्कुल से ये बराबर हो गया, अभी कोई लूज नहीं है, बिल्कुल से बराबर हो गया है। अब यहाँ पे हम 17वीं लाइन बनाएंगे, एक चेन लेके इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे, तीन डबल क्रोशिया इसमें बना के अब इसके ऊपर अब सारे स्पेस में बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए सब में बना लेंगे, अब इस वाले गैप में बनाएंगे, अब इसके ऊपर अब इसमें 2 बार बनाएंगे, इसमें भी 2 बार बनाई हूँ ना तो इसमें भी 2 बार बनाएंगे, अब इसके ऊपर भी। अब सिर्फ इसमें इस बार कोई चेन नहीं लेंगे, सिर्फ जो है डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी करेंगे लाइन। इसमें 2 बार बना ली, अब इसके ऊपर सबके ऊपर बनाते जाएंगे। इस तरह से अब इस वाले स्पेस में जो है 3 बार बना लेंगे, इस तरह से। अब इसके ऊपर भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बनाई हूँ। तो हम अपनी 17वीं लाइन को इसी तरह से बनाते हुए पूरी कर लेंगे।
इस तरह से देखिए हमारी 17वीं लाइन बन के यहाँ पे पूरी हो गई है। अब यह चांदा पूरी तरह से तैयार है। अब आप कितनी बड़ी टोपी बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, जैसे आप और ज़्यादा इससे बड़ी बनाना चाहते हैं ना, जिनके लिए आप बना रही हैं टोपी उनके सर पे रख के देख लीजिए, ये सर पे पूरा कवर करना चाहिए। ये जो है चांदा सर के ऊपर रखेंगे आप ना, तो ये पूरा कवर करना चाहिए। अगर ये पूरा कवर हो रहा है तो ठीक है, फिर आप नीचे की दीवार जो है बनाना वो शुरू कर दीजिए। और अगर ये अभी सर पे रखने पे ये छोटा दिख रहा है, माथे की तरफ नहीं आ रहा है, कवर नहीं हो रहा है पूरा सर, तो फिर आप चांदी को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इतने पे मैं अभी और इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद जो है नीचे की वाली लाइन बनाऊंगी। और एक तरह से आप और भी साइज़ चेक कर सकते हैं, ये पूरे राउंड को आप टेप इंची से नाप लीजिए पूरे राउंड को, और जिनके लिए आप बना रहे हैं उनके सर के पूरे इसे गोलाई से आप टेप इंची से नाप लीजिए। तो जितना ये होगा उतना सर की नाप जितनी होगी उतना ये गोलाई अगर होगी ना, तो फिर आप जो है नीचे की लाइन बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं अभी एक लाइन और बनाऊंगी। किसी का सर छोटा होता है, किसी का सर बड़ा होता है फुल साइज़ में भी, तो आप जो है छोटी बड़ी इस तरह से कर सकते हैं। पहले आप इस चांदे को जो है नाप लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ाइए, या तो इतने पे ही नीचे की जो है लाइन बनाना शुरू कर सकते हैं। इस लाइन में मैं बस सब के ऊपर जो है जितने भी स्पेस हैं सब पे डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने ये लाइन पूरी कर ली है। अब नीचे की जो है टोपी को नीचे की तरफ झुकाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ऐसे ही और लाइन और बना लीजिए। यहाँ तक देखिए जो तीन डबल क्रोशिया बनी है ना इसके ऊपर तक बनाई हूँ। अब एक चेन लेके एक स्पेस को छोड़ेंगे दूसरे में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके एक स्पेस को छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया। तो इस लाइन को हम इसी तरह से बनाते हुए पूरी करेंगे। इस तरह से देखिए टोपी हमारी नीचे की तरफ झुकने लगेगी ये लाइन पूरे करने के बाद। इस तरह ये लाइन मैंने पूरी बना ली है। अब यहाँ पे बनाएंगे एक चेन लेके एक गैप को छोड़ देंगे दूसरे में बनाएंगे चार डबल क्रोशिया। बहुत ही आसान सी ये डिज़ाइन मैं बता रही हूँ ताकि बिगनर्स भी आसानी से बना सकें। अब एक चेन लेके एक स्पेस को छोड़ेंगे दूसरे में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इस लाइन को अपनी बनाते हुए इसी तरह पूरे कर लेंगे, एक चेन लेके एक स्पेस को छोड़ के दूसरे में चार डबल क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन पूरी हो गई। अब इसके ऊपर बनाएंगे एक चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे चार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेके इसमें बनाएंगे, तो इस लाइन में हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये लाइन पूरी हो गई। इसके ऊपर एक लाइन और ऐसे ही बना लेंगे चार चार डबल क्रोशिया एक चेन लेते हुए। बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से बिगनर से बना सकते हैं इस टोपी को। ठीक है, इसी तरह से इस लाइन को भी पूरी कर लेंगे। तीसरी लाइन भी इस तरह पूरी हो गई। अब इसके ऊपर बनाएंगे एक चेन लेके इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर इसके ऊपर बनाएंगे, फिर जितने भी स्पेस हैं सब में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस लाइन में। अब इसके अंदर एक बना लेंगे, अब इसके ऊपर
इस तरह से इस लाइन को बना लेंगे। तो ये लाइन देखिए पूरी हो गई। अब जैसे ये लाइन बनाई हूँ ना, ऐसे ही इसके ऊपर एक लाइन और बना लेंगे, सबके ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन और बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये लाइन पूरी हो गई। अब इसके ऊपर जैसी ये वाली लाइन बनी है ना, ऐसे बनाएंगे, एक चैन लेके एक स्पेस को छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेके एक स्पेस को छोड़ते हुए दूसरे में डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस लाइन को बना लेंगे। इस लाइन को बनाने के बाद फिर जैसे ये और ये तीनों लाइन बनाई हूँ ना, बिल्कुल से वैसे ही ये तीन लाइन बनाएंगे। तीन लाइन बनाने के बाद फिर जैसे ये दो लाइन बनी है ना, फिर ऐसे ये दो लाइन बनाएंगे। तो आपको जितनी गहरी टोपी चाहिए आप उतनी लाइनें आप बना सकते हैं। तो मैं कितनी लाइन बनाऊंगी वो मैं अभी पूरी लाइन बना के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। इसी तरह से बस बनाते जाएंगे, इसमें कुछ अलग नहीं है अब आगे करने के लिए। इसी तरह से जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बनाई हूँ वैसे इसके ऊपर भी बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने इतनी लाइनें बना ली हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 लाइन मैंने बनाई है इसकी। अगर आपको और गहरी टोपी चाहिए ना तो आप इसके नीचे और भी लाइनें इसी तरह से बना लीजिए, दो तीन लाइनें और बना लीजिए अगर आपको गहरी चाहिए। अगर नहीं आपको इतनी चाहिए जिनके लिए आप बना रही हैं, पहले उनके सर पर आप रख के देख लीजिए, क्योंकि किसी को जो है गहरी टोपी पसंद होती है, किसी को कम हाइट वाली टोपी पसंद होती है। तो आप पहले चेक करवा लीजिए, फिर उसके बाद आप नीचे की जो है लंबाई बढ़ाइए। और तो मुझे बस इतनी ही चाहिए गहरी टोपी, तो मैं इस पर अब ऊपर या तो आप यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं टोपी को, या तो आप कुछ कंगूरा बना दीजिए, बॉर्डर बना दीजिए। तो मैं बॉर्डर बनाऊँगी इस पर, एक यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसी में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1, 2, 3 स्पेस को छोड़ के चौथे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे। आप अपनी तरीके से कोई और भी बॉर्डर अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये बॉर्डर बनाने से ना सर में टोपी अच्छे से टिकती है, स्लिप नहीं होती है। वैसे भी अगर टाइट रहेगा यहाँ पे, ढीली बहुत नहीं रहेगी तो नहीं है कि स्लिप होएगी, लेकिन बॉर्डर बनाने से और अच्छा होता है कि स्लिप नहीं होती सर से टोपी। इस तरह से बनाते जाएंगे बॉर्डर। तो इस तरह से देखिए पूरे बॉर्डर बन गए हैं। अब यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के धागे को निकालेंगे, फिर इस तरह बना के अब दो चैन लेके धागे को कट करके निकाल देंगे और पीछे की तरफ ले जाके धागे को छिपा देंगे। इस तरह से थोड़ी दूर पे और भी ऐसे फंसाते जाएंगे तो बाद में कर लेंगे वो। तो इस तरह से देखिए हमारी टोपी बनके तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आई होगी और आप लोगों की ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, डिज़ाइन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।